कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इंदौर कार्यालय में हर महीने 45,000 से अधिक पीएफ और संबंधित दावे प्राप्त होते हैं, मगर अधूरे दस्तावेजों की वजह से कई दावों को खारिज करना पड़ता है। अब समस्या से निपटने के लिए विभाग ने नियोक्ताओं के साथ मिलकर अभियान की शुरुआत की है। अधिकारियों के मुताबिक प्रत्येक संस्थान में केवाईसी अपडेट के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कर्मचारी अपने दस्तावेजों में सुधार कर सके और योजना का लाभ उठा सके। पीएफ विभाग के आंकड़ों के हिसाब से जुलाई में 24% दावों को अस्वीकार या फिर वापस करना पड़ता है, क्योंकि अनुसूचित फाइलिंग और अपर्याप्त दस्तावेज या सदस्य के विवरण में दावा फॉर्म और ईपीएफओ के पास उपलब्ध डेटा के बीच अंतर होना पाया है। जबकि विभाग अलग अलग माध्यमों की मदद से कर्मचारियों को अपने केवाईसी अपडेट रखने की सलाह देता है और क्षेत्रीय आयुक्त मनोरंजन कुमार के मार्गदर्शन में पीएफ कार्यालय इंदौर में विशेष अभियान भी चलाया गया है, और इसके तहत न केवल सदस्यों बल्कि पीएफआई कार्यालय के नियोक्ताओं और कर्मचारियों को भी अस्वीकृति अनुपात को कम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।